You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what? वेलकम बैक गाइस अवर चैनल। तो दोस्तों हम आ चुके हैं आपके लिए एक और नया गेम प्ले लेकर। गलत सीन से बिल्कुल भरा हुआ है गेम प्ले। आप देखोगे मेरी डिवाइस में मेरे साथ क्या क्या इसमें गलत सीन करे दोस्तों। तो मैं यहाँ पर फर्स्टली उतरा हुआ होता हूँ जहाँ पर, तो वहाँ पर जो मेरी रिकॉर्डिंग ग्लिच हो जाती है उसके बाद मैं दोबारा से इसको रिकॉर्डिंग पर लगाता हूँ जब तक मेरा एक किल हो चुका होता है। बट मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे को एक राइट में जो है बिल्कुल सामने की तरफ आप देख सकते हो मेरी लेफ्ट में मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज ऑलरेडी कर चुका होता हूँ पहले ही। तो मैं यहाँ पर आने के बाद उसको थोड़ा सा डैमेज करता हूँ और वो उसको मैं यहाँ पर किल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर एक और बंदा उसको डैमेज कर रहा होता है जो कि मेरे को पता होता है वो मेरे लेफ्ट में है। बट मैं हल्का सा फ्लाइंग मारकर आता हूँ उसके पीछे से, तो इसको मैं थोड़ा सा डैमेज करता हूँ। फ्री आता है, फिर मेरी सामने वाली विंडो से एंटर होता है अंदर और जैसे ये जंप करके मेरे को शॉटगन कनेक्ट करने की कोशिश करता है तब तक मैं इसका जो है भर चुका होता हूँ कुत्ता। तो जब तक मैं इसको मार चुका होता हूँ, तो दोस्तों जैसे ही मेरे को एक और राइट में सामने बंदा, तो दोस्तों मेरे को सामने में एक बंदा दिख जाता है जिसको मैं बड़ी इजीली से जो है यहाँ पर मार देता हूँ। उसके बाद एकदम बंदा राइट से आता है मेरे घर में और मेरे को जो फायर करने लगता है, बट उसको भी बड़े आसानी से यहाँ पर मैं मार देता हूँ। मेरे यहाँ पर आप देख सकते हो 5 किल हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद मेरा फ़ोन जो थोड़ा सा दिक्कत करने लगता है, जब मेरा फ़ोन दिक्कत करने लगता है तो मैं सोचता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया। तो मैं उसको थोड़ा सा गेम प्ले से बाहर आकर अपने बंदे को साइड में लग कर इस गेम से बाहर जाने की कोशिश करता हूँ। पहले उससे थोड़ी पहले लूट पार्ट यहाँ पर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी सी लूट कर लेता हूँ और अपने आप को जो है थोड़ा हिलअप कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एड वगैरह लगा कर लूट पार्ट कर कर मैं जैसे ही मैं सोचता हूँ चलो अब मैं अपने थोड़े को फ़ोन को फ्री अप कर लूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में जो है स्पेस की वजह से मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा लैगिंग इशू आ जाता। तो दोस्तों अपने फ़ोन के स्पेस को फ्री करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आलोक को साइड में बैठाता हूँ और बेटे यहाँ पे बैठ और मैं जाता हूँ फ्री करने। तो मैं फ़ोन को फ्री करने जाता हूँ, जैसे ही मैं आता हूँ एंटर होता हूँ तो मुझे पता चलती है मेरे घर में एक बंदा आ चुका जिस पर मैं हल्का सा फायर करता हूँ, बट वो मेरी राइट वाली विंडो से जो आता है मेरे को डैमेज कर देता है। बट वो अंदर आकर जब मेरे को फायर करता है तो मैं उसको बड़े ईजिली से यहाँ पर आप देख सकते हो मार देता हूँ। तो उसमें डैमेज तो मेरे को काफ़ी किया था बट मैं उसको बड़े ईजिली मार देता हूँ। मेरे पास जो लेवल 3 का इतना सामान होता है उससे मैं इस बंदे से लूटता हूँ वो लेवल 3 का सामान। उसके बाद मैं सोचता हूँ मेरे पास लूट तो हो चुकी है, अब मैं देखता हूँ बंदे कितने रह गए। तो बंदे यहाँ पे रह जाते हैं ओनली 10 बंदे रह जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ किल तो 6 ही हुए हैं तो किल तो लेने पड़ेंगे, बट मेरा फ़ोन मेरा साथ देता ही नहीं क्योंकि इसमें बहुत गलत सीन होते हैं यार मेरे गेम प्ले में। जैसे कि दोस्तों मैंने जो है फ्री फायर जस्ट 1 मंथ से ही स्टार्ट किया है, बट मैं थोड़ा सही खेलने लगा हूँ क्योंकि मेरे को पहले से ही पबजी की ट्रेनिंग थी, तो इसकी वजह से मैं अच्छे गेम प्ले यहाँ पे खेल लेता हूँ। तो दोस्तों बात तक कर लेते हैं, दोबारा से अपने गेम प्ले पर जाते हैं। तो दोस्तों गेम प्ले में अब मैं थोड़ी सी लूट पार्ट यहाँ से करता हूँ और लूट पार्ट करने के बाद थोड़ा सा देर यहाँ पर वेट करने के बाद मैं सोचता हूँ चलो यहाँ से निकला जाए। फिर यहाँ से मैं जाता हूँ सर्कल के अंदर, तो सर्कल के अंदर जाते हुए मेरे को पता तो चल जाती है बंदे किधर किधर हैं। एक बंदे की तो मेरे को लोकेशन दिख जाती है बट मैं उसको फायर इसलिए नहीं देता हूँ कि दूसरे बंदे की लोकेशन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि सोलो में क्या होता है किधर भी बंदे बैठे होते हैं, मैं उसको मारूंगा इतने मेरे को कोई थर्ड पार्टी करके मार देगा। उसके बाद मैं क्या सोचता हूँ लास्ट के सर्कल में फटाफट से जाया जाए, तो मैंने जो लास्ट का सर्कल वाली जो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी मतलब, तो दोस्तों कुछ यहाँ पर मैं सीन जो काट देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के, क्योंकि आप भी बोर ना हो मैं आपको वही वो चीज़ें दिखाता हूँ जो आपको सही लगे जिसमें मेरा गेम प्ले हो। अब वहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रहा था इसलिए मैंने लास्ट के जो सर्कल बनाया है सिर्फ वहाँ तक की वीडियो दिखाता हूँ आपको और उसके बाद मैं आ जाता हूँ इस घर में। इस घर में आने के बाद मेरे को पता चलती है जो सर्कल है वो मेरे लेफ्ट में बनना है, तो मैं करता क्या हूँ फटाफट से इस घर से भी जो है सर्कल में जाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पे वेट करने के बाद मेरे को कोई भी यहाँ पे बंदा नहीं दिखाई देता है, तो मैं काफ़ी देर हो जाती है। फिर मैं सोचता हूँ चलो अब सर्कल में जाया जाए, तो मैं फटाफट से सर्कल में जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे सर्कल में मैं जा रहा होता हूँ तो मैं इन घरों से जिगजैग होते हुए जो है अपने सर्कल के अंदर जाता हूँ, क्योंकि किधर से भी पड़ सकती है भाई सोलो में, तो ऐसे ही होता है पता नहीं कौन किधर बैठा है दिखता भी नहीं है ना, अकेला बंदा होता है स्क्वाड में होता है काफ़ी सारे बंदे होते हैं तो कहीं भी आपको इजीली दिख जाते हैं। इसलिए मैं इन घरों से होते हुए सर्कल के अंदर एंटर होता हूँ, बट मुझे पता नहीं होती है बंदा किधर से कहाँ पर है, तो इसलिए मैं थोड़ा देर इस घर में वेट करता हूँ। मेरे को एक बंदा दिखता है मेरी विंडो से आता हुआ, बट मैं सोचता हूँ ये निकल जाएगा क्योंकि इसने मेरे को देखा नहीं, बट ये मुझे देख चुका था। मगर उसी टाइम पर मेरा फ़ोन जो थोड़ा सा यहाँ पे क्लिच कर जाता है, मतलब कि मैंने बताया ना गलत सीन से भरा हुआ गेम प्ले, तो यहाँ पर ये बंदा मेरे को ईजिली यहाँ पे फिनिश कर जाता है और जिसकी वजह से भैया अब 2 बंदे रह जाते हैं, पता नहीं इनमें से कौन सा बंदा ले जाता है। उसके बाद मैं गेम प्ले जो है रिकॉर्ड नहीं करता हूँ क्योंकि मैं मर गया फ़ायदा क्या गेम प्ले रिकॉर्ड करूँगा।